यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 शेयर के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये शेयर वैसे शेयर है जो आपके पोर्टफोलियो में निश्चित रूप से होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म जैसे 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं और लगातार इस पे जो आपको एनुअली रिजल्ट पे भी फोकस रहना चाहिए। देखिए जिस तरह से रेवेन्यू और सेल्स में ग्रोथ बना रहता है, जिस तरह से अभी इस कंपनियों में है, तो निश्चित रूप से हम इसको 5 ईयर्स, अगले 10 ईयर्स के लिए आराम से होल्ड कर सकते हैं, इवन 20 ईयर्स के लिए भी होल्ड कर सकते हैं जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता रहे। जैसे कोई स्टॉक परफॉर्म करना बंद करता है तो आपको उससे एग्जिट हो जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का यही रूल है, जैसे कंपनी में कोई भी डिफेक्ट आता है तो उस कंपनी से आपको एग्जिट करना है। तो उसी में देखिए सबसे पहला जो स्टॉक है वो है IRCTC। IRCTC काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, मार्केट कैप 39,000 करोड़ है। जैसा कि इसमें हमने डिटेल में बात किया था एक वीडियो में, ये कंपनी जो है एक मोनोपोली बिजनेस रखती है। ये हमारे जो रेलवे है उसमें कैटरिंग प्रोवाइड करती है, साथ साथ टूरिज्म भी प्रोवाइड करती है ये कंपनी। तो काफ़ी बेहतरीन मोनोपोली वाला बिजनेस है, क्योंकि रेलवे में जो जब तक गवर्नमेंट दूसरे कंपनी को अलाउ नहीं करती है तब तक ये कंपनी अपना पूरी मोनोपोली रखता है इस बिजनेस में। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। करंट प्राइस 2,469 रुपये है, और अगर इसका डिविडेंड की बात करें 0.51% का डिविडेंड यील्ड है, और अगर बात करें रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 16.4%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.6%, तो ये भी ओवरऑल अच्छा है। थोड़ा सा रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से कम है। प्रमोटर्स होल्डिंग 67.4% है, और ये एक गवर्नमेंट ऑफ कंपनी है, मतलब एक PSU स्टॉक है लेकिन एक मोनोपोली बिजनेस। डेट टू इक्विटी 0 है, तो यहाँ पर डेट देखने की कोई बात ही नहीं। जब डेट टू इक्विटी ही 0 है मतलब कंपनी के ऊपर कोई डेट है ही नहीं। रिजर्व 1,300 करोड़ का है, और अगर बात करें चार्ट का तो देखिए चार्ट काफ़ी सॉलिड है। यहाँ पर स्टॉक जो है थोड़ा सा गिरावट दिखाया था जब ये पैंडेमिक आया था। पैंडेमिक को छोड़ दें, देखिए ये स्टॉक या तो कंसोलिडेट किया है अपने ही प्राइस पे, या तो यहाँ से ऊपर की ओर मोमेंटम किया था। ऐसे स्टॉक में आपको निश्चित रूप से इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी तक में 239% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था यहाँ पर IPO के बाद जो लिस्ट हुआ था ये स्टॉक। उसके बाद इस सीरीज में जो दूसरा स्टॉक है वो है पिडलाइट इंडस्ट्री। ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। करंट इसका मार्केट कैप है 1,14,000 करोड़ का, और करेंट प्राइस है 2,263 रुपीज़ का, और डिविडेंड की बात करें 0.38% का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 29.4%, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.5% का। प्रमोटर्स होल्डिंग 70% प्रमोटर्स होल्डिंग है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.06 डेट टू इक्विटी है, और बात करें रिजर्व का 5,542 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, और ये फेविकॉल बनाने वाली कंपनी है। तो इसके प्रोडक्ट से ही हम इस कंपनी को जानते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो इस कंपनी को जानते हैं वो प्रोडक्ट के रूप में जानते हैं। आप इस कंपनी के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए। जब तक फेविकॉल हमारे मार्केट में लीडर बना हुआ है और कोई भी फेविकॉल के जगह पर दूसरा प्रोडक्ट आता है फेविक्विक के जगह, तो समझ जाइए आपको इस स्टॉक से एग्जिट करना है, अदरवाइज इस स्टॉक में बने रहना है। अगर चार्ट की बात करें तो देखिए चार्ट इतना सॉलिड है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे परफेक्ट स्टॉक है, और इस स्टॉक पर आप कभी भी गिरावट में इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, हमेशा आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेंगे। अगर बात करें करेंट प्राइस का 2,264 रुपीज़ है, देख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में 13,000% का रिटर्न दिया है, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। उसके बाद तीसरा जो स्टॉक है वो है एल्काइल एमिन्स। इस पर भी मैंने एक बार डिटेल वीडियो बनाया था। देखिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। और अगर बात करें मार्केट कैप का 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस 4,414 रुपीज़ है, डिविडेंड की बात करें 0.23% डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 55% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 44% का, फेस वैल्यू 2 का है, प्रमोटर्स होल्डिंग 74.1% का, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट टू इक्विटी 0.06 का है। तो यहाँ पर देखिए डेट कितना काफ़ी कम है, मतलब डेट टू इक्विटी का रेशियो काफ़ी कम है, मतलब डेट देखिए मात्र 47 करोड़ का है, जबकि नेट प्रॉफिट 321 करोड़ का, रिजर्व भी 782 करोड़ का। कंपनी के बारे में हम इस पर भी डिटेल वीडियो बनाए थे कि यह स्टॉक भी काफ़ी बेहतरीन है, और सिर्फ कुछ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि इंडिया में लोकेटेड है, और यह कंपनी वर्ल्ड वाइड लीडर है अपने प्रोडक्ट का। और जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो देखिए अमोनिया से डिस्प्लेस करता है H2 को, और डिफरेंट यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बनाती है, और ये कंपनी जो है उस प्रोडक्ट की मार्केट लीडर है। अगर चार्ट की बात करें देखिए 40,000 करोड़ का रिटर्न दिया है कंपनी ने पिछले
20 सालों में तो कितना सॉलिड स्टॉक है और इसमें आप लॉन्ग टर्म के निश्चित रूप से इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये स्टॉक महंगे प्राइस है और यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट जो है क्वार्टरली उसमें प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, इसलिए आपको गिरावट देखने में लाए। तो ये गिरावट टेम्पररी बेसिस है और यही गिरावट एक अपॉर्चुनिटी होगा आपके लिए इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। अगला स्टॉक है दीपक नाइट्रेट, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है। मार्केट कैप की बात करें 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है और बात करें क्रेडिट प्राइस का 2,061 रुपीज इसका क्रेडिट प्राइस है। डिविडेंड की बात करें 0.22% का डिविडेंड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39.9%, रिटर्न ऑन इक्विटी 39.6%, फेस वैल्यू 2 का है। प्रमोटर्स होल्डिंग 45.7% का है, कोई भी शेयर प्लीज नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.25 का है, मतलब इस कंपनी के ऊपर भी काफ़ी कम डेट है इक्विटी के मामले में। टोटल डेट की बात करें 590 करोड़ का है और रिजर्व की बात करें तो 2,319 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है और अगर बात करें इसके चार्ट का, देखिए चार्ट काफ़ी सॉलिड है। 11,000% का ये रिटर्न दिया है और करंट प्राइस आपने देखा आज ये अप है 32 रुपीज के आसपास और 2,093 रुपीज का लगभग करंट प्राइस है। ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद जो अगला स्टॉक है, जो पांचवा स्टॉक है, तो कुल 10 स्टॉक आपको बताने वाले हैं जिस जो कि आपके पोर्टफोलियो का निश्चित रूप से हिस्सा होना चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म में आपको डिफेक्ट पाया जाता है किसी भी कंपनी के बिजनेस में तो आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आरती इंडस्ट्री ये भी कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में साथ साथ ये फार्मास्यूटिकल बिजनेस में भी है। तो यही इस कंपनी की खासियत है, ये कंपनी दो बिजनेस में है और दोनों बिजनेस में काफ़ी अच्छा पकड़ है इस कंपनी का। और मार्केट कैप की बात है 34,000 करोड़ का है। प्राइस की बात करें 948 रुपीज के आसपास इसका करेंट प्राइस है और डिविडेंड की बात करें 0.08% का डिविडेंड यील्ड है और बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.6%, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.2%। ये यहाँ पर आपको कम देख रहे मिल रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन इससे कहीं बेहतर रिटर्न इस कंपनी के शेयर प्राइस के ग्रोथ ने दिया है। हमें तो शेयर प्राइस के ग्रोथ चाहिए और यहाँ पर ये 15% के आसपास है तो काफ़ी अच्छा है। देखिए कंपनी के जो अब पीछे का जो रिकॉर्ड है उसको भी हम देखते हैं कि कंपनी काफ़ी बेहतरीन किया है और आने वाले समय में भी हमें काफ़ी बेहतरीन ये रिटर्न ये कंपनी दे सकती है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 44.9% का प्रमोटर्स होल्डिंग है तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रमोटर्स का होल्डिंग है क्योंकि ये कंपनी तो एक लार्ज कैप कंपनी है और अच्छी खासी ग्रुप की कंपनी है। डेट इक्विटी 0.71 का है तो यहाँ पर डेट इक्विटी भी काफ़ी कम है। टोटल डेट की बात है 2,492 करोड़ का है तो जो कि कंपनी आसानी से पे कर सकती है। रिजर्व की बात है 3,416 करोड़ का है और नेट एनुअल प्रॉफिट 523 करोड़ का है। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन है और बात करें चार्ट का तो चार्ट देखिए 35,000% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में जो कि काफ़ी बेहतरीन और यहाँ पर देखिए आज भी 27 रुपीज़ अप है। और यहाँ पर देखिए चार्ट पे यहाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने मिल रहा है पिछले फरवरी 2021 से, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कभी करेक्शन आता है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। थोड़े थोड़े ये सारे स्टॉक है ऐसे हैं जिसमें हर गिरावट में आप SIP कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट, ये स्टॉक तो काफी बड़ी है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें 2,26,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक ब्लू चिप कंपनी जैसे इसका मार्केट कैप है और इससे भी ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ से भी एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, मतलब अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है अपने इन्वेस्टर को। करेंट प्राइस की बात है 3,502 रुपीज़ इसका करेंट प्राइस है और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी अभी कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। और बात करें रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 12.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 9.45% और इसका फेस वैल्यू 10 का है। प्रमोटर्स होल्डिंग 75% जो मैक्सिमम हो सकता है, कोई भी शेयर प्लीज नहीं है। डेट इक्विटी काफ़ी कम है 0.03, मात्र 393 करोड़ का डेट है जबकि प्रॉफिट 1,155 करोड़ का प्रॉफिट है। और रिजर्व की बात करें 11,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन है तो ऐसे कंपनियों में जरूर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जब भी गिरावट में मिलता है। और बात करें चार्ट पर, देखिए ये कंपनी लिस्ट हुई है 2017 में और वहाँ से 445% का रिटर्न दे चुका है। तो ये भी कंपनी काफ़ी शानदार है तो आप इस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी गिरावट में। अगली जो कंपनी है वो है डॉक्टर लाल पैथलैब, इसका मार्केट कैप की बात करें 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 3,719 रुपीज़ का है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.54% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35.4% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 25.1% का, प्रमोटर्स होल्डिंग 55.2% का, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी 0 है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई डेट है ही नहीं तो इसमें डेट देखने की कोई बात ही नहीं है। और नेट प्रॉफिट 394 करोड़ का, तो कंपनी काफ़ी शानदार है। रिजर्व की बात करें तो 1,182 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो इस पैरामीटर्स पे भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी एकदम डेट फ्री कंपनियां है और ऐसी कंपनियां में तो जरूर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।
अगर बात करें रिटर्न का, तो देखिए यहाँ पर लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा 2015 से यहाँ पर 2017 तक स्टॉक परफॉर्म नहीं किया, लेकिन 2017 के बाद ये स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया और वहाँ से 400% का रिटर्न दे चुका है। काफ़ी ज़बरदस्त ये कंपनी है, आप इसमें किसी भी गिरावट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। करेंट प्राइस यहाँ पर 3888 रुपीज़, 170 रुपीज़ आज अप है, तो ऐसे भी ये स्टॉक काफ़ी सॉलिड है, तो आपको हर गिरावट में इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अगला जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है, काफ़ी पहले से मैंने इस स्टॉक को आपको रिकमेंड किया था कि इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए मार्केट कैप की बात करें 3,74,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और बात करें यहाँ पर डिविडेंड यील्ड का 0.16% का डिविडेंड यील्ड है। देखिए डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम क्यों है, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी ग्रोथ वाले स्टॉक है। देखिए इसका स्टॉक का जो प्राइस था 52 वीक लो की बात है 3000, और जो गिरावट था 2020 में मात्र ये 1800 पे स्टॉक मिल रहा था, तो वहाँ से देखिए काफ़ी ऊपर जा चुका है स्टॉक, तो डिविडेंड यील्ड आपको काफ़ी कम देखने मिलेंगे ही ग्रोथ वाले स्टॉक में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कम है, उसके बावजूद ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। प्रमोटर्स होल्डिंग 56% है, तो प्रमोटर्स होल्डिंग भी काफ़ी अच्छा खासा है इस कंपनी में, और डेट टू इक्विटी की बात करें 3.57 है, क्योंकि ये स्टॉक फाइनेंशियल रिलेटेड है, तो इस स्टॉक में आपको डेट काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेंगे ही, तो यहाँ पर हमें डेट टू इक्विटी नहीं देखना है, बल्कि हमें स्टॉक का जो अलग अलग पैरामीटर्स है उस पर देखना है कंपनी कितनी बेहतरीन है। रिजर्व की बात है 36,000 करोड़ का है, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। और बात करें यहाँ पर चार्ट का, तो चार्ट पे देखिए 1,37,000% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में। देखिए लॉन्ग टर्म में ये कंपनी तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को, जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था 20 साल पहले उन्हें तो मालामाल किया, आने वाले समय में भी ये कंपनियां काफ़ी बेहतरीन रिटर्न आपको दे सकती है, तो निश्चित रूप से आप किसी भी गिरावट में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बात करें करेंट प्राइस का, तो देखिए 6,331 रुपीज़ इसका करेंट प्राइस है, आज भी ये 2% अप है, और आज गजब का तेज़ी था मार्केट में, जिसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने मिला। अगला जो कंपनी है वो है रिलैक्सो फुटवेयर, काफ़ी बेहतरीन कंपनी, करेंट मार्केट कैप की बात करें 28,000 करोड़ का है। करेंट प्राइस की बात करें तो इसको हम यहाँ पर चार्ट पर देखेंगे ज़्यादा बेहतर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक दिन पहले का प्राइस आपको दिखाता है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.22% का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी बेहतरीन 26% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.2% का, देखिए काफ़ी बेहतरीन है। प्रमोटर्स होल्डिंग 70.9% का, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.07 का, टोटल डेट की बात है 115 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट 298 करोड़ का। तो देखिए हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। रिजर्व की बात है 1,548 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी सॉलिड दिख रहा है। और बात करें यहाँ पर चार्ट का, 8,000% का रिटर्न दिया है चार्ट पे इस स्टॉक ने, और करेंट प्राइस 1,165 रुपीज़ है, तो यहाँ पर ये स्टॉक का प्राइस भी काफ़ी बेहतरीन है, और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो फुटवेयर इंडस्ट्री है ये काफ़ी बेहतरीन है, और आपको कांस्टेंट रूप से बेहतर रिटर्न क्रिएट करके ये स्टॉक्स देंगे। और पिछले 10 साल में देख सकते हैं कि 2011 से अभी तक में 8,000% का रिटर्न दे दिया है, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। जब भी गिरावट मिलता है तो इन्वेस्ट करते रहिए, और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न क्रिएट करके ये स्टॉक्स आपको देंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो ये 10 स्टॉक आपको ज़रूर ऐड करते रहना चाहिए। साथ ही साथ जो IT सेक्टर के स्टॉक है इसमें हमने शामिल नहीं किया है। IT सेक्टर में कई सारे बेहतरीन स्टॉक है, जैसे फार्मा सेक्टर में कई सारे बेहतरीन स्टॉक है, तो IT सेक्टर और फार्मा स्टॉक जो हम आपको बताते रहते हैं उसमें से आपको पोर्टफोलियो ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि जो पोर्टफोलियो उसमें सिर्फ 10 स्टॉक ही नहीं रखना है। अगर आपका पोर्टफोलियो 2,00,000 है तो आपको 20 स्टॉक रखना चाहिए, अगर उससे एबव है तो 20-30 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जिसमें से ये 10 स्टॉक से हुए आपके कोर पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। तो आने वाले वीडियो में हम आपको और सारे बेहतर सारे स्टॉक्स बताएंगे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।